हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीयस एजुकेशन सब मैन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईबीपीएस आरआरबी हिंदी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है टुडे। आज ही रिलीज हुआ है 14,000 अप्रोक्स याद रखिएगा, 14,000 अप्रोक्स वैकेंसीज आई है। लगभग लगभग 14,000 के अप्रोक्स वैकेंसीज क्रिएट हुई है। ओके, आई एक तरह से कह सकते हैं नोटिफिकेशंस आउट हुआ है। तो पूरी ऑल ओवर डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा, किस बेसिस पे कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कितनी कितनी फीस है, उसके बारे में। ओके, लेट्स बिगन द सेशन। एंड बिफोर दैट, यू आर न्यू स्टूडेंट इन माई चैनल, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सबके लिए, आपके लिए बहुत एक तरह से कह सकते हैं खुशखबरी, जो भी बैंक के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज कर रहा है, सर इसके बेसिस पे एज रिलेटेड क्या है, क्या क्या कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, उसी के बेसिस पर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ओके, लेट्स बिगिन, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसीज, देखिए वैकेंसीज अभी अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बेसिस पर। देखिए 14,000 से मैंने कहा था 14,000 प्लस वैकेंसीज है। इसमें देखिए ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की 7,000 अप्रोक्स वैकेंसी है प्लस है, एंड ऑफिसर स्केल यानी कि 5,000 के अप्रोक्स वैकेंसी है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पीओ लेवल। ओके, पीओ ये क्लर्क लेवल की है, पीओ लेवल की। ओके, एंड ऑफिसर स्केल सेकंड में 746 है, एंड ऑफिसर सेकंड थर्ड में 207 है। ओके, याद रखिएगा, दिस इज ऑल, लगभग इसका टोटल करें लगभग अप्रोक्स 14,000 के अप्रोक्स होती है। ओके, देखिए ये वैकेंसीज डिटेल है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, याद रखिए कि जो जो डेट्स आपको मैं बता रहा हूँ उसके बेसिस पर। ओके, दे स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको मालूम है 18 जून को स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ओके, यानी कि आज 14 जून है, 4 दिन बाद, आफ्टर 4 डेज। ओके, क्लोजर रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई को क्लोजर होगा, अंतिम डेट इसकी क्लोजर है। ओके, ऑनलाइन फीस पेमेंट्स आपको मालूम है 18 जून से, जिनका टाइम पीरियड इनका रजिस्ट्रेशन का, उतने टाइम पीरियड में फीस क्लोजेशन, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट है। ओके, तो कुछ ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल्स प्रीलिम्स डेट, यही देखिए एग्जामिनेशन की डेट भी ऑफिसर स्केल यानी कि पीओ लेवल की 3rd अगस्त एंड 4th अगस्त, 2 दिन में, 3rd और 4th दोनों डेट इसमें, एंड क्लर्क की 11th, 12th एंड 25th, यानी कि 3 दिन दे रखिए, 3 दिन यानी कि 11th, 12th एंड 25th, एक 25th को है। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशंस मेंस एंड सिंगल्स। मेंस जो एग्जामिनेशन, ये क्लर्क के प्रीलिम मैंने आपको बताया, ये देखिए मेंस एग्जामिनेशन है। तो प्लीज ये देखिए ऑफिसर स्केल पीओ लेवल में 22 तारीख को, ओके 22 सितंबर, एंड देन ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का 29 सितंबर यानी कि 29 सितंबर, याद रखिएगा। ये अच्छी एक तरह से ऑल ओवर डिटेल से डेट वाइज, टेक ए स्क्रीनशॉट, आपको कभी भी इस पे बेसिस पे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस डेट पे ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होंगे, कौन सी डेट को फॉर्म फिल होंगे, तो उसी के बेस पर टेक ए स्क्रीनशॉट। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, तैयारी में आपकी प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आप भी अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, ओनली फॉर हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश जो एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके लिए फैक्टर होगा जिनके इंग्लिश वीक है, जो हिंदी इसमें चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री में आपको मालूम है रीजनिंग और मैथ्स दो ही पेपर होते हैं, रीजनिंग और मैथ दो के बेसिस पर, एंड मेंस में आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट या इंग्लिश आपकी अच्छी है तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं, एंड आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी आप चूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिनकी इंग्लिश वीक है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो फॉलो करता हूँ। रेगुलर बेसिस पे आप देख सकते हैं किस बेसिस पे मेरे चैनल्स पे प्लेलिस्ट में जाके अर्थमैटिक के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, और इंग्लिश में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इंग्लिश का भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो प्लीज अगर आप रेगुलर बेसिस पे बने रहिए, साथ में बने रहिए, इस टाइप से वैकेंसीज आपके क्रिएट होगी, वैकेंसीज भी अच्छे से अच्छे वैकेंसीज भी आ रही है, तो 100% आपको सिलेक्शंस, एक तरह से कह सकते हैं सिलेक्शंस भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब देखिए फीस करना है, सर इसकी फीस क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एज कैटेगरी आपको मालूम है, एज कैटेगरी 18 ईयर्स है। ओके, याद रखिएगा, फीस एक तरह से कह सकते हैं एज कैटेगरी 18 ईयर्स है, याद रखिएगा। नोटिफिकेशंस आईबीपीएस आरआरबी की साइट्स पे आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस एक पूरा एक तरह से आया हुआ है, उसी के बेसिस पे मैंने डिटेल्स आपको क्रिएट की है, अच्छे से क्रिएट किए, ताकि आपको अच्छे से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वही है, ओनली कौन कौन फॉर्म फिल करता है। अभी आपके कुछ दिमाग में क्वेश्चन रेज करा होगा, सर कौन कौन हम फॉर्म फिल करते हैं, हम बीटेक हैं, हम बीकॉम हैं, इस टाइप से हमारे ग्रेजुएशन कंप्लीट। देखिए ऑल ओवर कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन हैं, जिनके पास बैचलर डिग्री है, वो फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। ओके,
तो देखिए फीस कंटेंशन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल से ये एप्लीकेशन फीस RRB ऑफिशियली, इनमें कोई फीस चेंजेस नहीं हुआ है। ऑल ओवर SBI क्लर्क में आपको मालूम था 700 करीबन करीबन फीस कर दी थी, लेकिन इसमें 600 वो जो पहले थी अभी भी वही है। ओके देखिए RRB ऑफिसर्स के यानी PO लेवल में 100 रुपीज एंड 600 रुपीज, OBC जनरल जनरल वाले कैंडिडेट जिनके भी हैं जिनके 100 रुपये। ओके और SC ST में हैं जो 100 रुपीज में, और ऑफिसर्स असिस्टेंट यानी कि क्लर्क बेसिस पे ST के 100 रुपये एंड अदर्स में 600 रुपये, ये फीस कंटेंट है। तो टेक स्क्रीनशॉट, अब फीस कंटेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, मैंने जो डिटेल्स बताई उनके बेसिस पे और फीस कंटेंट डिटेल्स बताई उनकी बेसिस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी आपको टाइम मिले तो तुरंत आप रीड आउट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करना हो कि कितनी फीस है, किस बेसिस पे, कौन सी वैकेंसीज में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये ऑल ओवर डिटेल्स थी IPS RRB, और एनी क्वेश्चंस यू आस्क मी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके दिमाग में रेज करो हैं, कौन कौन फॉर्म फिल करता है, किस बेसिस पे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बेसिस पर आपको एक तरह से कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो रेगुलर बेसिस पे सीरीज चलेगी, नंबर सीरीज कह सकते हैं एक तरह से, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल्स को ना भूले एंड लाइक करना भी ना भूले। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि वह भी इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से जान सके और फॉर्म की डिटेल्स के बारे में अच्छे से भी पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, अच्छे से आपने क्रिए, अच्छे से आपने इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपने समझी होगी। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, लाइक मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्रिएट कर सकें, अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छी जो जॉब की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि वह भी इस टाइप्स के फॉर्म फिल कर सके एक तरह से। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।